दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से, तेरे इश्क बिना हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से ही, जिस रास्ते सो आप सब, आज हम ये वाला गाना करेंगे। इससे पहले गाइज, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ठीक लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, लेसन शुरू करने से पहले मैंने इसको एक स्टेप डाउन किया। अगर आपको ओरिजिनल कॉर्ड्स, ओरिजिनल स्केल प्ले करना है, सेम शेप्स जो मैंने लगाई हैं, एक एक लाइन एक एक जगह शेप्स, ठीक है, सेम सी जी ई माइनर सेम सब कुछ, आपने बस क्या करना है, थर्ड की जगह कैपो फोर्थ में कर देना है। That's it. आपको अगर सेम स्केल में करना है तो ये रहेगा, ठीक है। मेरे को दिक्कत आ रही थी बड़ी गाने में, एक ही लाइन वही वाली बात दिल की, आप में से बड़े लोगों को आ रही होगी शायद, तो इसलिए मैंने उसको एक स्टेप डाउन किया। आप एक और भी कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। उस दौरान कॉर्ड्स तो चेंज हो जाते हैं, बट शेप्स हम वही लगाएंगे जो मैंने आपको बोला। ओरिजिनल प्ले करना है तो चार पे लगेगा कैपो, ठीक है। सेम कॉर्ड्स लगेंगे, वही सी डी जी बी माइनर ई माइनर ए माइनर ये, ठीक है। ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली कौन से है, वो एफ शार्प, ई मेजर, बी मेजर, जी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर एंड डी शार्प माइनर, ठीक है। वो यहाँ से शुरू होता है, इस टाइप से। दिल का दरिया यहाँ से सेम वही रहेगा, मैं थर्ड में ले रहा हूँ, तो मैंने जो ओरिजिनल लिए थे, अगर आप वो लेना चाहते हो तो मैंने, ठीक है, इसको नीचे कर दिया। मेरे जो थे वो थे एफ बी फ्लैट ई फ्लैट डी माइनर सी माइनर जी माइनर, दैट्स व्हाई मैंने थर्ड में किया। बस यही मेरे को आपको इंपॉर्टेंट बताना था, गलती मत करना कि मैं कुछ अलग तो नहीं ले रहा हूँ कॉर्ड्स।
अगर आपको ओरिजिनल करना है जस्ट वन स्टेप अप कर देना, नहीं तो यही रहने देना, इसी में आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो स्ट्रमिंग सिंपल 4x4, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 प्लकिंग भी गाइज वही रहेगी, आप मेरा प्लकिंग वाला लेसन देखना, वन फिंगर प्लकिंग एंड प्ले मैनी मल्टीपल सॉन्ग्स इस टाइप का, उसमें हमने बस यही करना होता है, बेस नोट चेंज करना होता है, जी मार रहे हैं तो 6 से, डी मार रहे हैं तो 4 से, सी मार रहे हैं तो 5 से, नीचे आप कुछ भी करो, अपना बनाओ कुछ, ए माइनर में भी 5 से, माइनर में भी 6 से, ये बेस नोट है, ठीक है, ये आपने बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं, वो वाला लेसन देख लेना अगर आपको नहीं समझ आती है कैसे बनाना है कैसे करना है, एक ही पैटर्न है वो एंड बड़े सारे उसमें गाने आप कवर कर सकते हो। अब गाइज देखो मैंने वन स्टेप एक नोट उसको पीछे किया, तो गाइज अभी हम इसमें जो लीड बीच में प्ले कर रहे थे वो करके देख लेते हैं, सिंपल इजी चीज़, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, अगर तो आप थर्ड फ्रेट पे कैपो लगा के कर रहे हो यही वाला मेरी तरह टाइप का, तो आप यहीं से शुरू करना जहाँ से मैं शुरू करूँ, अगर आप फोर्थ में करोगे, फोर्थ फ्रेट में कैपो लगा के करोगे जहाँ से मैं शुरू करूँ उससे आगे से शुरू करना, ठीक है, एक जैसे मैं 3 से शुरू कर रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ भी ये लाइन होगी जो जो नोट भी लिखा होगा आपने आगे से वो करना शुरू, जैसे यहाँ मैं 3 से कर रहा हूँ तो आपने 4 से शुरू करना वो, और जहाँ 5 लिखा होगा वो 6 से, जहाँ 6 7 से, समझ रहे हो ना, एक स्टेप बस आगे से जो भी चीज़, और अगर आप 2 पे लगाओगे तो अगर मैं 3 से कर रहा हूँ तो आपने वही 2 से करना, सिंपल सी चीज़, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आप ये ध्यान रखना जहाँ आगे लगाओगे तो एक स्टेप आगे से शुरू करना, जहाँ मैं 3 बजाऊंगा आपने 4 बजाना है, जहाँ 5 लिखा होगा वहाँ 6, इस टाइप से, बाकी आप उसको खुद जज कर सकते हो, मेरे टाइप पे करोगे तो वैसे बजेगा जो हम वो करते हैं बात दिल की, सिंपल, हाँ बड़ी सारी वेरिएशन ले सकते हो, ठीक है, या फिर दो दो बार भी मार सकते इसको, बस इस टाइप से चलेगा, ठीक है, ऐसे देन आगे भी आप ये कर सकते हो जो हम वो ले रहे थे, इस टाइप से वो रहेगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो मेरे को जरूर पूछना गाइस, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, आई होप आप सबको पता होगा ये इजी है, ठीक है, नहीं पता होगा फिर भी मेरे को पूछना, मैं क्या बजा रहा हूँ, ठीक है, उसमें वो मत करना कि मैंने कहीं वो वाले कॉर्ड्स तो नहीं मार दिए, बस आप ओरिजिनली करना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया, फोर्थ पे रख देना कैपो एंड सेम शेप्स आपने मारनी है, सेम लाइन कोई चेंज नहीं, जहाँ जहाँ मैंने कॉर्ड लिखे हैं वही, बस आपको कैपो की प्लेसमेंट चेंज करनी, मेरे जैसा करोगे तो वही, अगर उसमें भी डिफिकल्टी आएगी थोड़ा हाई है वो वाला भी, तो एक स्टेप और नीचे कर देना, सेम शेप्स मारना, ट्राई करना, ठीक है,
तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. पुराने वीडियोस भी देखने हैं, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सेम चीज़ विद द लीड. लीड में भी आपने वही ध्यान रखना है, ठीक है. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. पुराने वीडियोस भी देखने हैं, वीडियोस को लाइक करें. थैंक यू गाइस.